इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने एलेक्स हेल्स को प्रतिबंधित दवा लेने का दोषी पाया है। उसने हेल्स पर 21 दिन का प्रतिबंध लगाया है। हेल्स पिछले सप्ताह ही इंग्लैंड की 15 सदस्यीय वर्ल्ड कप टीम के लिए चुने गए थे। एलेक्स ने 7 दिन पहले ही निजी कारणों से अपनी काउंटी टीम नॉटिंघमशायर के लिए इस सीजन में खेलने में असमर्थता जाहिर की थी। हेल्स पर प्रतिबंध इंग्लैंड टीम के लिए झटका। हालांकि गार्जियन की खबर के मुताबिक दूसरी बार ड्रग टेस्ट में नाकाम रहने के कारण ईसीबी ने उन पर 3 सप्ताह का प्रतिबंध लगाया है। वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी इंग्लैंड टीम के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। बैन के बाद हेल्स 21 दिन तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, जबकि वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कैंप भी शुरू होने वाला है। ईसीबी ने इस मामले में आधिकारिक बयान जारी करने से इनकार कर दिया है। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा, हम पर गोपनीयता बनाए रखने की पाबंदी है, इसलिए हम कोई और टिप्पणी देने में असमर्थ हैं। इस मामले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हेल्स को वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया जाना चाहिए। ईसीबी के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी प्रोफेशनल पुरुष क्रिकेटर्स और केंद्रीय अनुबंध में शामिल महिला क्रिकेटर्स का सीजन के शुरुआत और अंत में हेयर फॉलिकल टेस्ट होता है। हेयर फॉलिकल टेस्ट का मतलब है कि प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने के 3 महीने बाद तक उसका पता लगाया जा सकता है।